चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अ नॉन कंडक्टिंग, देयर इज अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, हैज अ चार्ज क्यू। तो मैं रिंग ड्रॉ कर रहा हूं, देयर इज अ रिंग, इसके ऊपर ये नॉन कंडक्टिंग है, मास इसका एम है, रेडियस इसका आर है, चार्ज इसका क्यू है, ठीक। Uniformly distributed over its circumference, the ring is placed on a rough horizontal surface. एक horizontal surface के ऊपर ring पड़ी हुई है, such that the plane of ring is parallel to the surface. Surface के साथ table के ऊपर पड़ी हुई है ये ring. Vertical magnetic field present है, magnetic field vertical present है, कितना B, और अंदर भी है और बाहर भी obviously, और B कितना है, B इज इक्वल टू B नॉट इन टू कितना T का स्क्वायर, इज स्विच्ड ऑन, पहले ऑफ था, टाइम जीरो था और मैंने टाइम को बढ़ाया तो B बढ़ना स्टार्ट हो गया, यानी कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, यह बात पक्की है। तो B की वैल्यू इंक्रीज होती गई और B नॉट इन टू T स्क्वायर ऑन किया इसे, आफ्टर 2 सेकेंड फ्रॉम स्विचिंग, 2 सेकेंड बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली 2 सेकंड में इंक्रीज होता गया, द रिंग इज जस्ट अबाउट टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, रिंग ने घूमना बस स्टार्ट, 2 सेकंड पे रिंग घूमना स्टार्ट कर देगी, तो आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकंड रिंग इज अबाउट टू स्टार्ट रोटेटिंग, ठीक, रिंग ने घूमना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फ्रिक्शनल कोफिशियंट म्यू बिटवीन रिंग एंड सरफेस, तो आपको इसमें क्या निकालना है, म्यू निकालना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। यह आंसर आना चाहिए म्यू का, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। और म्यू निकलेगा एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकलेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन कंडक्टिंग रिंग पे चार्ज क्यू है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ई, ई निकलेगा तो क्यू इंटू ई से फोर्स निकलेगी, फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ी होगी तो इसका रोटेशन स्टार्ट होगा,
तो यहाँ से शुरू करो, हो गया। तो पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके ऊपर निकालना है तो इसका रेडियस कितना है? आर। तो डॉटेड लाइन जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो इसके ऊपर बनेगी, ये डॉटेड लाइन है ये रही। तो इस केस में ई इंटू टू पाई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू कितना? डी बी बाई डी टी। तो ई इंटू टू पाई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ बी, और बी की वैल्यू कितनी है इसमें? बी नॉट इंटू टी का स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया? कैंसल। आर से आर क्या हो गया? कैंसल। तो ई की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई? आर बाई टू इंटू बी नॉट इंटू टू टी, टू से टू कैंसल, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई? बी नॉट इंटू आर इंटू कितना? टी। तो आपके पास ई की वैल्यू आ गई, ठीक है यहां तक। और अगर ये ई आ गया तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू इंटू कितना? ई। फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू क्यू, ई इज बी नॉट इंटू आर इंटू कितना? टी। एफ की वैल्यू क्या आएगी इसमें? बी नॉट इंटू आर इंटू टी, ठीक। तो टॉर्क क्या होगा? आर इंटू एफ। तो आर इंटू एफ में जो टॉर्क होगा, जो फोर्स, जो इसमें टेंजेंशियल फोर्स होगी वो इसको घुमाएगी, तो इसका जो टॉर्क होगा शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन का टॉर्क या ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन का टॉर्क। तो इसका टॉर्क कितना होगा? आर इंटू एफ। फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा? एफ इंटू आर। अगेन आर इंटू एफ, इसका भी एफ इंटू आर ही होगा, वो अलग बात है कि आर से आर क्या हो गया? कैंसल। तो ये जो फोर्स आई वो किसके इक्वल आई? क्यू इंटू बी नॉट इंटू आर इंटू टी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू टाइम्स कितना? एम जी। तो म्यू जो है उसकी वैल्यू शुड बी इक्वल टू कम से कम बी इज बी नॉट इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई कितना? एम इंटू जी। ऐसा ही कुछ नहीं आ रहा? नहीं, इस पर टी की फॉर्म में नहीं आ रहा था क्या? अच्छा हाँ, टी इज इक्वल टू टू सेकेंड में, सॉरी। तो इसमें जो म्यू निकालना था वो टी इज इक्वल टू टू सेकेंड में निकालना है। तो टू सेकेंड पुट करेंगे तो यहां से म्यू की वैल्यू आएगी, राइट। ठीक, इसी का सेकेंड पार्ट। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ आफ्टर फोर सेकेंड, दो पहले हमने ऑन किया, वो ऑन होता जा रहा है, दो सेकेंड तक तो मैं देख लिया उसको, तो घूमना स्टार्ट करेगा दो सेकेंड पे, ऑन करके रखा, टाइम बढ़ता जाएगा, बी बढ़ता जाएगा चार सेकेंड तक। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ आफ्टर फोर सेकेंड देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द रिंग जस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ किया उस टाइम ओमेगा की वैल्यू कितनी है? क्या हुआ है? हिंट इसका ऐसे रहेगा, आप एक काम करोगे, आप टॉर्क निकालोगे इन टर्म्स ऑफ टाइम,
अभी, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का टॉर्क है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी म्यू टाइम एम जी बार। इसके बाद क्या करोगे, इसका इनका डिफरेंस निकाल लोगे, क्योंकि म्यू टाइम एम जी इंटू आर तो ओवरकम करने के लिए लग गया, इतना टॉर्क तो कम से कम चाहिए था कि उसकी रोटेशन स्टार्ट हो। टॉर्क निकालोगे जो टाइम की फॉर्म में टॉर्क माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का टॉर्क, नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू आई अल्फा, फिर अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा डी टी कुछ है। ऐसे लिखेंगे आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू, जो आपका टॉर्क था आर इन टू एफ माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का टॉर्क, नेट टॉर्क इज इक्वल टू, जो फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या थी, बी नॉट इंटू क्यू इंटू आर इंटू टी इंटू कितना आर, ये हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, इंटू आर माइनस म्यू टाइम्स एम जी इंटू कितना आर। नेट टॉर्क की जगह लिख लेंगे आई इंटू एल्फा, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहां पर बी नॉट इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू टी माइनस म्यू की वैल्यू, वो म्यू की वैल्यू है कितनी, 2 बी नॉट इंटू क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय एम इंटू जी इंटू कितना एम जी इंटू आर, एम जी से एम जी कैंसल, आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू बी क्यू नॉट आर स्क्वायर इंटू टी माइनस 2 इंटू बी नॉट इंटू क्यू इंटू आर का स्क्वायर, ठीक, दिस इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ये बॉडी एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू बी नॉट इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया टी माइनस 2, और यहां पर आपके पास क्या वैल्यू आ गई, डी ओमेगा इज इक्वल टू बी नॉट इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर इंटू टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना एम इंटू आर का स्क्वायर इंटू कितना डी टी, ठीक, तो कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन करके ये डी ओमेगा आ गया इन टर्म्स ऑफ डी टी। और आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपकी जो वैल्यू है वो 0 से ओमेगा, और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके नहीं 2 से लेके 4 तक, क्योंकि 2 सेकेंड तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया था, रोटेशन स्टार्ट हुई है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा चेक करो आएगा 2 बी नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कितना मास एम, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है यहां तक। ठीक, कोई डाउट इसमें, इसका नेक्स्ट पार्ट है फाइंड एंगल रोटेटेड बाय द रिंग, फाइंड एंगल थीटा रोटेटेड बाय द रिंग बिफोर कमिंग टू रेस्ट आफ्टर स्विचिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड आपने बंद कर दिया 4 सेकंड पे, उसके बाद वो रुकना स्टार्ट कर देगा, और उसने कितना एंगल कवर किया रुकते रुकते,
बोल दे पूरा आंसर क्या है। इनटू टू, टू एस होता है ना। हाँ तो देखो इसमें कौन रोकेगा, फ्रिक्शन रोकेगी इस क्वेश्चन में, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी। कहने का मतलब कि जो इसमें टॉर्क है, रिटार्डिंग टॉर्क ऐसे लिखना चाहिए, रिटार्डिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क जो कि क्या होता है एफ इंटू आर। ठीक, तो आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी इंटू आर, आई की जगह एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा म्यू टाइम्स एम जी इंटू आर, एम से एम कैंसल, आर से आर कैंसल, तो एल्फा आ गया कितना म्यू जी डिवाइडेड बाई, रादर रिटार्डिंग है तो मुझे साइन क्या लगाना चाहिए, माइनस। ठीक, और अब अप्लाई करना चाहिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू इंटू एल्फा इंटू कितना थीटा, थीटा मुझे निकालना है, एल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो पुट कर दूंगा, और ओमेगा नॉट कितना है जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 4 सेकेंड पे, तो ओमेगा नॉट का मतलब अभी 4 सेकेंड पे स्विच ऑफ करने से पहले ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, 2B0Q डिवाइडेड बाई कितना m, तो यहाँ से थीटा कैन बी कैलकुलेटेड, तो आंसर आर एट 2B0Q बाई m का होल स्क्वायर r डिवाइडेड बाई म्यू टाइम्स। ठीक है, यहाँ तक मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, माइनस कैसे आएगा, माइनस माइनस लेफ्ट और राइट पे कैंसिल हो जाएगा। देखो इसके अंदर अ लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज वाउंड अराउंड एन इंसुलेटिंग डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। रिपीट कर रहा हूं, अ लाइन चार्ज, ठीक, विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक, ये गिवन है, मतलब एक लेंथ वाइज चार्ज, एक रिंग है एक तरीके से, इज वाउंड अराउंड एन इंसुलेटिंग डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर। तो एक डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है, तो इसके आसपास यानी कि इसके सर्कमफ्रेंस पे कह सकते हैं हमने एक लाइन चार्ज को जो है वाउंड कर दिया। ठीक, विच इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, इस पूरे अरेंजमेंट को डिस्क है ये, धागे से या किसी अरेंजमेंट से हॉरिजॉन्टल ऐसे टांग दिया, सो दैट इट इज फ्री टू रोटेट, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा बीच में कि ये रोटेट कर सकती है, डिस्क रोटेट कर सकती है। इन सेंट्रल रीजन ऑफ रेडियस ए एंड ए इज लेस देन आर, वो कह रहे हैं कि यहां पर कोई एक रीजन है जिसका रेडियस कितना है ए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया बी, सिर्फ ए रीजन में, पूरी डिस्क में से नहीं, सिर्फ उसके एक स्मॉल पोर्शन में से मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकली हमने पास किया जिसकी वैल्यू है बी नॉट, बी नॉट पॉइंटिंग अप इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच ऑफ, पहले बी नॉट था स्विच ऑफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसका मतलब बी चेंज हो गया एकदम, बी नॉट से जीरो हो गया, विच कॉजेज डिस्क टू रोटेट, पहले डिस्क स्टेशनरी थी अब क्या हुआ डिस्क घूम गई। ठीक, क्यों घूमे होगी, कैसे फ्लक्स चेंज करते चीजें कैसे घूमती हैं, क्योंकि बाहर लाइन चार्ज है, चार्ज में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा जिसने टेंजेंशियल फोर्स लगाई होगी जिससे डिस्क घूमी होगी, आप सोचोगे अभी ऐसे। ठीक, सो फाइंड एंगुलर स्पीड ओमेगा विद विच डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग, आपको निकालना है जब डिस्क स्टार्ट करेगी घूमना तो उस टाइम उसका ओमेगा कितना था। ये समझ में आ गया, यहां तक बी नॉट था जीरो कर दिया, डिस्क ने घूमना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही उसने घूमना स्टार्ट किया उस टाइम उसका ओमेगा क्या था,
इसका आंसर है 2π λa²b₀/mr। क्या ओमेगा निकालना है? ओमेगा निकालना है? हाँ ये ओमेगा है, मैं समझ गया आप क्यों क्या कह रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि अल्फा होना चाहिए, क्यों अल्फा होना? क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और वहां से एकदम उसके वो रेस्ट से स्टार्ट हुई थी जीरो से, और फिर उसने ओमेगा अटेन किया होगा, ठीक है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसी आपने बी को जीरो किया, ये एक फास्ट प्रोसेस है, ये टाइम के साथ भी जीरो नहीं होगा, बहुत जल्दी जीरो होगा, एकदम स्विच ऑफ कर दिया आपने, झटका लगेगा उससे और से वो स्टार्ट हो जाएगा। और जब झटका लगता है ना, लॉज ऑफ मोशन का याद करो, जब झटका लगता था जर्क बोलते थे, तो वो इम्पल्स की एप्लीकेशन होती थी। इम्पल्स जितने भी झटके के क्वेश्चन थे ना, जैसे पुली से एक सिस्टम जा रहा है और किसी ने एक ब्लॉक को हाथ में पकड़ा हुआ था, ऐसे क्वेश्चन करते थे हमने एडवांस में भी किए थे अगर आपको याद हो, तो एकदम ही स्ट्रिंग जो स्लैक होती थी एकदम स्ट्रेट हो जाती थी, तो एकदम स्लैक से जो स्ट्रेट होती थी तो एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स होती थी। जे अगर आपको याद हो, जे वाले किए थे कुछ ऐसे, चेंज इन मोमेंटम, ये सेम है। इसके अंदर भी सेम होगा कि आप एकदम जो है चीज़ ने रोटेट करना शुरू कर दिया विद ओमेगा, तो आप इसमें कॉन्सेप्ट ये लगाओगे, यू विल फाइंड एंगुलर मोमेंटम। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, टॉर्क डी टी, क्या मैं लिख सकता हूं, जैसे पी को मैं क्या लिखता था, एफ डी टी, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स एक ही बात है, ये भी तो एंगुलर इम्पल्स है। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल तो एंगुलर मोमेंटम जीरो ही था और बाद में क्या अटेन हो गया, एल अटेन हो गया। तो यहां से आपके पास L क्या होता है, I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू टॉर्क इंटू कितना, dt। अगर मुझे टॉर्क निकाल दो तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकता हूँ। पुट करना जरा आंसर कितना आ रहा है, टॉर्क आपने निकाल लिया होगा, रादर टॉर्क के लिए आपने क्या निकाला, फोर्स निकाल ली होगी पहले, फोर्स से पहले इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला, E इंटू आप जो पूरा सर्कमफ्रेंस क्या लोगे, 2πr, E इंटू 2πr, क्योंकि जो लाइन चार्ज है वो तो बिल्कुल कैपिटल R रेडियस में है, मस्ट बी इक्वल टू, क्या पुट करेंगे इसमें, एरिया की जगह पाए ए स्क्वायर इंटू डीवी बाई डीटी, ठीक, डीवी बाई डीटी। इसको स्विच ऑफ नहीं करेंगे, लेट अस सपोज स्विच ऑफ करते हुए स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, यहां से पाई क्या हो गया कैंसल, तो E की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R इंटू डीबी डिवाइडेड बाई डीटी। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, Q इंटू E, लेकिन Q क्या होगा, लैम्डा इंटू 2πr, लैम्डा इंटू 2πr और इंटू कितना, E, फोर्स इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू गिवन है हमें इंटू R, और E की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R इंटू कितना, डीबी डिवाइडेड बाई डीटी। तो फोर्स की वैल्यू आएगी 2πa ए स्क्वायर लैम्डा, रादर 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसल, पाए ए स्क्वायर इंटू लैम्डा इंटू कितना, डीबी डिवाइडेड बाई डीटी, फोर्स की वैल्यू आ गई इसमें। ये फोर्स की वैल्यू से क्या जाएगा, टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, आर इंटू कितना, एफ, तो टॉर्क इज इक्वल टू पाए इंटू ए स्क्वायर इंटू आर इंटू लैम्डा इंटू डीबी बाई डीटी। इस टॉर्क को उठा के यहां पुट करते हैं, आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, टॉर्क की जगह कितना, पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू आर इंटू लैम्डा इंटू कितना, डीबी डिवाइडेड बाई डीटी इंटू कितना, डीटी। तो यहां से कांस्टेंट बाहर आ गया, आई का मतलब यहां पर क्या होगा, एम आर स्क्वायर, लाइन चार्ज के लिए एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू आर इंटू लैम्डा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी ऑब्वियसली आपको क्या देगा, बी बी नॉट, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड बी नॉट होगा, क्योंकि वो फाइनली बी नॉट से जीरो हुआ है। तो यहां से सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, सीधा ओमेगा आ जाएगा, ठीक है यहां तक। तो जब इमीडिएटली एकदम झटके के साथ रिंग स्टार्ट होगी या डिस्क स्टार्ट होगी, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या इस तरीके को यूज करोगे। हाँ सॉरी, एम आर स्क्वायर बाई टू आएगा, डिस्क है क्योंकि घूम कौन रहा है इसमें, डिस्क घूम रही है, तो डिस्क का क्वेश्चन निकालना है तो डिस्क का मोमेंट रेशियो हाफ एम आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ टू के साथ पुट करना। नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन में दो रेल्स हैं, ठीक, लेट अस सपोज ये दो रेल्स हैं, फर्स्ट सेकंड, रेजिस्टेंस लगी हुई है आर वन, रेजिस्टेंस लगी हुई है आर टू, और लेट अस सपोज ये एक रॉड है, ये एक रॉड है और ये नीचे की तरफ गिर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, वी। ये लेंथ 1 मीटर है रॉड की, 1 मीटर है, नहीं एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये 1 मीटर शायद ये नहीं गिवन, और टू पैरेलल वर्टिकल मेटालिक रेल्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, ओके, तो कह रहा है कि ये जो रेल्स हैं ए बी एंड सी डी आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, ठीक, सो दे आर कनेक्टेड बाय टू रेजिस्टेंसेज आर वन एंड आर टू गिवन, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल मेटालिक बार ऑफ लेंथ एल, ये रेल्स के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर जरूर है, लेकिन कह रहा है कि जो बार है वो कितनी लेंथ का है, वो एल लेंथ का है, फर्क है, एक एल है और एक 1 मीटर है, सो हॉरिजॉन्टल मेटालिक बार एल ऑफ मास 0.2 kg स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अफेक्ट से नीचे गिर रहा है फ्री फॉल में, देयर इज अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द रेल्स, 0.6 टेस्ला बी की वैल्यू आपको गिवन है, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन टर्मिनल वेलोसिटी इज अटेंड, थोड़ी देर के बाद क्योंकि ग्रेविटी के अंडर अफेक्ट नीचे नीचे जाता जा रहा है, काफी देर के बाद क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस होगा, करंट से बी आई एल लगेगा, बी आई एल एम जी को बैलेंस कर जाएगा और इट विल अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी, द पावर इन आर वन एंड आर टू आर, पावर जो है आर वन आर टू में आ गई 0.76 वॉट एंड पी टू की वैल्यू कितनी आ गई 1.2 वॉट, पी वन एंड पी टू की वैल्यू आ गई, ठीक है, यहां तक करंट जाएगा तो पावर जनरेट होगी I² R, I² R, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बार एल एंड आर वन एंड आर टू ऑल्सो, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, आर वन निकालना है, आर टू निकालना है, रॉड है फ्री फॉल में, टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर हो जाएगी, लेंथ एल है, पावर की वैल्यू जनरेट हो गई, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, पावर इसमें क्या होगी I² R1, इसमें I² R2, P1 P2 गिवन है, तो R1 इसको R2 की रेशियो वैसे आ जाएगी आपके पास, और यहां मोशनल ईएमएफ होगा BLV, तो करंट क्या होगा BLV/R, ये जो भी है जैसे भी करोगे, और रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना, बता दिया MG = देखो इसमें जब करंट जनरेट होगा तो ऑब्वियसली करंट इसमें ऐसे जनरेट होगा, क्यों, इंड्यूस करंट लेफ्ट जो है राइट की तरफ, कैसे, बी बोर्ड के अंदर है, थंब नीचे की तरफ है, तो करंट ऐसे, करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, लेफ्ट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, फोर्स ऊपर लगेगी, फोर्स ऊपर कितनी लगेगी, F = कितना BIL लगेगी, ठीक, और एक ऐसा टाइम आएगा जब बी आई एल एम जी के इक्वल हो जाएगा, तो इट विल अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी, आई की जगह क्या पुट करोगे BLV/R, आर कौन सा,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, बोथ आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वहां से आंसर आएगा। सॉरी, BIL इज इक्वल टू MG, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। BIL इज इक्वल टू MG, I इज इक्वल टू E बाय R इक्विवेलेंट, और यहां पे B मोशनल EMF क्या होगा, BL V L, और ये कौन सी वेलोसिटी होगी ऑटोमेटिकली, टर्मिनल, और R की वैल्यू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। आपको इस क्वेश्चन में B पता है, L नहीं मालूम, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं मालूम, M और G पता है, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनाएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपके पास जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है, जो भी, क्योंकि R1 R2 तो मालूम नहीं ना, और मुझे इसमें L की वैल्यू भी, L ही गिवन है इसमें, इसकी लेंथ भी तो नहीं मुझे गिवन, L अलग मेंशन किया है वैसे इसने, वैसे इसमें वन इसलिए है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वन मीटर में इसमें चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो एक मीटर में ही चेंज हो रहा है ना, तो इसके अंदर हाँ फोर्स पूरी लेंथ में है mg। चलो देखते हैं, तो p1 और p2 की एक तो रेशियो आ जाएगी यहाँ से, टर्मिनल वेलोसिटी इसमें वन मीटर पर सेकेंड आ रही है, टर्मिनल वेलोसिटी इसमें वन मीटर पर सेकेंड आ रही है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी टी आर इक्विवेलेंट एम जी, और इसमें एक और इक्वेशन बनाओ, इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी टी बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एम जी, आर इक्विवेलेंट लिख लिया इसमें। सेकेंड इक्वेशन में P1 प्लस P2 इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, टोटल जो पावर होगी P1 एंड P2 वो E स्क्वायर बाय R के इक्वल है, और P1 प्लस P2 मुझे मालूम है, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू B L V का होल स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट, ठीक, और इस केस में ये जो वेलोसिटी मानी जाएगी वो ऑटोमेटिकली क्या मानी जाएगी, फिर से टर्मिनल वेलोसिटी, बी एल वी हम तो काम ही टर्मिनल पे कर रहे हैं, तो ऐसे केस में अब चेक करो इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो मुझे लगता है कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर से बी स्क्वायर एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास दो वेरिएबल बच जाएंगे, एक वी टी बच जाएगा और एक आर इक्विवेलेंट, अगर आर इक्विवेलेंट से आर इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वी टी आ जाएगा, सही है, ठीक है यहाँ तक, तो एक ये वैल्यू आ गई, और यहां से अगर आपके पास V ऑफ T आ गया तो आप चाहे यहां पुट कर दो चाहे क्वेश्चन नंबर टू में पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट भी आ जाएगा, ठीक, अगर आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ गई फिर तो आप इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल लोगे, इसमें R इक्विवेलेंट भी निकाल लोगे, R इक्विवेलेंट का मतलब R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो भी आएगी सॉल्व करके, और मुझे पता है कि पावर की रेशियो P1 एंड P2 इंडिविजुअली I1 या I स्क्वायर बाय R1, I स्क्वायर बाय R2, अच्छा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो I1 और I स्क्वायर R2, या फिर E स्क्वायर बाय R पुट कर लेते हैं ज़्यादा बेटर है, E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1, E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2, तो यहाँ से किसकी रेशियो आ जाएगी, R1 एंड R2 की रेशियो भी आ जाएगी बिकॉज P1 P2 की बने, R1 और R2 की रेशियो आ जाएगी, R1 R2 यहां से सॉल्व कर सकते हो, तो और R इक्विवेलेंट भी मालूम है, तो यहां से R1 R2 कैन बी कैलकुलेट, तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा ज्यादा है बट समझ में आ रहा है कि करना कैसे है, ठीक, तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इसको शुरू करना है।
वैसे सब्जेक्टिव शीट 34 का क्वेश्चन लिखने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, इसको एक बार सॉल्व करके दिखाना। ये भी टर्मिनल के ऊपर है, क्वेश्चन है रेल्स रॉड, ये एक रॉड है, ठीक, एंड टेंशन पुली कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर से आ रही है, और इसका मास कितना है mg, इसका वेट कितना है mg। तो इस केस में ऑब्वियसली यहाँ टेंशन कितनी है टी, यहाँ टेंशन कितनी है टी, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, टेबल है ये, टेबल के अपवर्ड्स है। क्वेश्चन है कि ये रेल्स है, डिस्टेंस बिटवीन रेल्स इज एल है, एल कंडक्टिंग मासलेस रॉड ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है इस रॉड की, और फ्रिक्शनलेस है, रॉड इज टाइड टू द मासलेस स्ट्रिंग जो कि पुली के ऊपर से है, नीचे मास स्मॉल एम टांग दिया, मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई कर दिया और सिस्टम को रेस्ट से छोड़ दिया, तब ये मास नीचे आएगा और रॉड राइट की तरफ आएगी, ठीक है, वो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो गया। दो पार्ट्स निकालने हैं, ए पार्ट फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, और सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ मास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन ऑफ मास, यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मास एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ रॉड इज हाफ द टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब कि टर्मिनल वेलोसिटी तो अक्वायर कर गए, वो तो ठीक हो गया, सिस्टम शुरू से रेस्ट से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब टर्मिनल नहीं एक्वायर हुई थी तो वेलोसिटी बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, एक ऐसा टाइम आया होगा जब वेलोसिटी हाफ द टर्मिनल हो गई, उस केस में आपको बताना है उसकी एक्सेलरेशन क्या थी रॉड की। ठीक है, एक ही क्वेश्चन तो क्लियर ही है इसमें, कि इसमें जब टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी जीरो, तो एम जी किसके इक्वल हो जाएगा टी के, और टी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से बी आई एल के, मतलब मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि रॉड में पहले इंड्यूस करंट होगा, इंड्यूस करंट की वजह से बी आई एल भी होगा, और बी आई एल ऑब्वियसली लेफ्ट की तरफ होगा जो कि टी को बैलेंस करेगा, तो ऐसे केस में फर्स्ट इक्वेशन एम जी इज इक्वल टू टी हो जाएगा बिकॉज एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने जीरो लेनी है, और सेकेंड इक्वेशन में टी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बी आई
एल के इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर वन इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर टू, तो यहाँ से बी आई एल मस्ट बी इक्वल टू कितना एम जी, बी इंटू आई की जगह कितना बी एल वी डिवाइडेड बाई आर इंटू एल इज इक्वल टू एम जी, और जो वेलोसिटी आएगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी फिर से टर्मिनल होगी बिकॉज एक्सेलेरेशन इसमें जीरो है, तो यहाँ से एम जी आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। और सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, यू हैव टू टेक एन एक्सेलेरेशन बिकॉज एक्सेलेरेशन आपको निकालनी है, और जो रॉड है उसका मास कितना गिवन है छोटा एम है, ये भी क्या मैंने दिया था, क्या हमें चाहिए क्यों टेंशन भी चाहिए होगा मेरे को लगता है, नहीं एक मिनट रुको पहले क्वेश्चन बनाते हैं एक मिनट नीचे क्वेश्चन में एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कितना एम ए, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए तो मुझे निकालना ही है, मैं टी की जगह क्या पुट करूं सेम टी की वैल्यू, मतलब आप कह रहे हो कि यहां से पुट करेंगे टी इज इक्वल टू कितना बी आई एल, टी इज इक्वल टू बी बी एल वी बाय आर और इंटू कितना एल, यानी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर कुछ ऐसे, वो कह रहे हैं ये तो टर्मिनल के ऊपर क्वेश्चन थी लेकिन हमें जो वेलोसिटी गिवन है वो हाफ टर्मिनल है, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी चल रही है वो वी टी बाई क्या चल रही है टू, तो यहां पर क्या आना चाहिए वी डैश, वी डैश टेंशन चेंज हो गई ना वेलोसिटी के साथ, तो टेंशन अगर चेंज हो गई तो इस केस में रोड का मास सेम तो नहीं है, अ पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रेल्स ऑफ नेगलिजिबल रेजिस्टेंस शॉर्टेड एट वन एंड इज फिक्स्ड ऑन द टेबल, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज एल, ये गिवन है मुझे, और इसमें मेरे को ये भी गिवन है कि नीचे आ रही है आर रेजिस्टेंस है, नहीं यार मासलेस रॉड है उसने बोला, अच्छा इसमें मासलेस रॉड है ठीक है, फिर तो उसमें लिखा हुआ है इट इज अ मासलेस रॉड, तो अगर मासलेस रॉड है तो इसकी क्वेश्चन में सीधा टी इज इक्वल टू बी आई एल, मास नहीं ना, अगर मास होता फिर एम इंटू ए लेना पड़ रहा था हमको, सही है, तो इसमें मासलेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम सीधा पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे एम जी माइनस टी की जगह क्या पुट करेंगे इसमें बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डैश बाय आर इज इक्वल टू एम ए, या एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर वी डैश की जगह वी टी डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू एम ए, और वी टी की वैल्यू हमने निकाली हुई है यहाँ से उठा के पुट कर दो किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्सेलेरेशन ए की, जो आंसर आ रहा है जी बाई टू, सॉल्व करके जी बाई टू। नेक्स्ट है आपके पास एक ये अरेंजमेंट ड्रॉ करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन इज चार रॉड्स हैं, फोर रॉड्स हैविंग लैम्डा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये चार रॉड्स हैं लैम्डा इस क्वेश्चन में गिवन है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और बी की वैल्यू इसमें बोर्ड के इनसाइड है, तो अरेंजमेंट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉन्स्टेंट वैल्यू बी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है इनसाइड है ठीक, ये अरेंजमेंट गिवन है, हर रॉड एल लेंथ की है, चार रॉड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के इनसाइड है,
Now each wire starts moving with a velocity v towards the opposite wire. ये ऊपर की तरफ, ये इधर और ये इधर, तो जो है पास साथ ही जा रही हैं एक दूसरे के. फाइंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम डिपेंडेंट, फाइंड ए पार्ट. इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट, फर्स्ट पार्ट है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ चेंज होगा. इकट्ठे पार्ट लिखना जरा. फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ए पार्ट है. सेकंड पार्ट है इंड्यूस करंट इन द सर्किट, इंड्यूस करंट इन द सर्किट सी पार्ट है. फोर्स रिक्वायर्ड ऑन ईच वायर, फोर्स रिक्वायर्ड ऑन ईच वायर टू कीप इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट, फोर्स रिक्वायर्ड ऑन ईच वायर टू कीप इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट. नेक्स्ट पार्ट है टोटल पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी, टोटल पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी. और लास्ट है थर्मल पावर इन द वायर्स, थर्मल पावर इन द वायर्स. जो फ्लक्स है ना, एरिया उसका कम होता जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज इसके अंदर थोड़ी देर में डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, थोड़ी देर में डायग्राम ऐसा हो जाएगा, रॉड्स पास 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 आती जा रही हैं, एरिया कवर लूप का कम होता जा रहा है. तो ऐसे केस में ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, v इंटू टी. ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, v इंटू टी. तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, l माइनस v इंटू टी. तो टाइम के साथ जो ये लेंथ है, जो लूप का एरिया है, वो बेसिकली चेंज होता जा रहा है. तो लूप का एरिया ही ना, ठीक बोल रहा है, एरिया के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया, ठीक किया, पर एरिया इसमें चेंज हो रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन में जो मोशनल ईएमएफ होगी 2VT, हाँ, L माइनस 2VT ऊपर से, ओके. तो इसमें जो मोशनल ईएमएफ होगी वो क्या होगी, एक वायर की वजह से B इनटू L माइनस 2VT, B L V विद मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ V,
अब ये देख लेते हैं कि इसमें ईएमएफ, क्योंकि चार रॉड्स हैं, वैसे तो मुझे पता ही है कि आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स आएगा टोटल ईएमएफ का। और अगर करंट है तो करंट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर है, थंब इधर है, करंट इधर, इसमें बी अंदर है, थंब इधर, करंट ऊपर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो करंट इसमें कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। करंट अगर क्लॉकवाइज है तो सारी ईएमएफ आपस में ऐड ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि करंट इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। अगर वायर में ईएमएफ बनाएंगे, एक बैटरी बनाएंगे, तो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, बिकॉज करंट मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सारी ईएमएफ ऐड होगी, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ये पहला आंसर है। करंट इसमें क्या होगा, करंट आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस चारों वायर्स की, 4 BL-2VT इंटू वी डिवाइडेड, रेजिस्टेंस कितनी है, एल टोटल रेजिस्टेंस, तो रॉड की वो तो कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कम होती जा रही है, लेंथ वो अलग बात है, ईएमएफ कम होती जा रही है, लेकिन लेंथ तो उतनी है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, वो एल लेंगे या एल डैश लेंगे, कितने लोग एग्री करते हैं कि एल लेंगे, कितने लोग कहते हैं कि एल डैश मीन्स L-V2VT लेंगे, क्योंकि दो दो लॉजिक है, एक क्योंकि लेंथ तो एल थी, टोटल लेंथ तो एल है, या ये देखेंगे जिसमें करंट जा रहा है, जिसमें करंट जा रहा है वो लेंथ छोटी है, ठीक है, तो इसमें 4L की बजाय हमें 2VT ही लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये करंट पूरे लूप में जाता है तो फिर हम एल ले लेते हैं, क्योंकि करंट इसमें लूप छोटा होता जा रहा है तो अंदर ही अंदर पास होता जाएगा, तो पूरे का पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4BV, 4 बाय। ऐसे 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 4 टाइम, ठीक है, तो 4 बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं, 4 से 4 भी फिर तो अच्छी बात है, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, बी इंटू वी डिवाइडेड बाई लैम्डा, सही है, तो ऐसा कुछ आंसर आएगा। नेक्स्ट उसने क्या पूछा, फोर्स रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स इक्वल टू बी आई एल, रादर बी आई एल नहीं, फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल डैश, एल डैश का मतलब एक वायर के ऊपर ये लेंथ क्या होगी, 2 VT, ठीक, तो एक वायर पे इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी हमें, टोटल फोर्स रिक्वायर्ड। और नेक्स्ट क्या पूछा था, टोटल फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, रॉड देख लो कहाँ मूव कर रही है, अंदर की तरफ मूव कर रही है ये वाली रॉड, ऊपर की तरफ, तो करंट कहाँ जा रहा है इसमें, इस तरफ, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वो तो पहले रूल लगाओगे ना, राइट हैंड, राइट हैंड से देखोगे करंट यहाँ जा रहा है आई, फिर अपना लेफ्ट हैंड रूल, बी करंट नीचे, कुछ इस तरीके से, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है क्या पूछा है इसमें, टोटल पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या लगाएं, कितना ना, वो थर्मल पावर है वो तो, अब इसमें क्योंकि वेलोसिटी, हर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है और फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है इसमें, फोर्स इनटू वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, पावर की वैल्यू हर टाइम पे चेंज हो रही है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी इज पावर, तो 4 टाइम्स, इसलिए क्योंकि चार रॉड्स हैं, इतनी जो इसमें लगानी पड़ेगी, तो पी इज इक्वल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पिछले पार्ट से यहाँ पुट करना पड़ेगा, सब कुछ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। और लास्ट क्या पूछा है, थर्मल पावर I2R, और आर किसका, एक वायर के रेजिस्टेंस, और ऐसे कितनी वायर्स हैं, 4, तो 4 × I²R, और आई की वैल्यू मोशनल ईएमएफ से आप निकाले लोगे, वो निकाल, तो आई की वैल्यू पुट कर देना, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और इसमें 1, 2, 3 तीन लूप्स एंटर करती हुई आएंगी विद द वेलोसिटी ऑफ वी,
ऑफ लेंथ, ये स्क्वायर लूप है रादर, इसकी जो लेंथ है वो सपोज 3L है, ये 2L है और ये L है, तो मोशनल नहीं है मैफ किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा या सब में सेम होगा जब ये एंटर करेंगी। क्यों नहीं, जब वो एंटर कर रहा होगा, जब एंटर कर गया फिर तो एंड द एंड जीरो हो जाएगा, जब वो कर रहा होगा एंटर, एंटर ही करेगा मतलब कुछ पोर्शन बाहर है कुछ अंदर, एंटर कर रहा है तब तक तो मोशनल ई एम एफ होगी। नहीं बी सेम है तो ई एम एफ सेम होगी डिफरेंट होगी, बड़े बड़े में ज़्यादा होगी, क्या लॉजिक लगाते हो? मोशनल ई एम एफ जब लूप एंटर या बाहर करते हो फॉर्मूला क्या होता है? बी एल वी रहता है, लेंथ क्या होती है? लेंथ हमेशा वर्टिकल होती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल कभी नहीं होती, तो जिसकी वर्टिकल लेंथ बढ़ी है उसका मोशनल ईएमएफ भी ज़्यादा है, तो 3L फिर ग्रेटर देन L, तो ये लॉजिक लगेगा। तो आप कुछ एरिया से भी कर सकते हो नो डाउट, बट ये ज़्यादा आसान है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी मोशनल ईएमएफ उसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है सपोज एक बैलून है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, बी वेक्टर अपवर्ड्स, ठीक है, एक बैलून है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपवर्ड्स है, एक कंडक्टिंग बैंड है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग बैंड है इज अराउंड अ स्फेरिकल बैलून, ये रहा वो बैंड, ये एक बैंड है जो बांध रखे है स्फेरिकल बैलून के आसपास, और इट्स प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बैलून, मतलब सेंटर के आसपास बांध रखे है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू 0.04 टेस्ला के बने ऊपर की तरफ, एयर निकल रही है नीचे की तरफ और कितनी 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतनी हवा निकलती जा रही है बैलून की, तो बैलून का साइज छोटा होता जाएगा ऑब्वियसली, सो एयर इज लेट आउट ऑफ द बैलून एट 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द बैलून इज 10 सेंटीमीटर, जब इसका रेडियस कितना था 10 सेंटीमीटर, तो इतनी हवा हमने बाहर निकाल दी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द बैंड इज इक्वल टू व्हाट, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी बैंड की, ये आपको बताना है, बैंड का साइज छोटा हो रहा है ना, छोटा हो जाएगा, छोटा होगा तो उसका फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स एरिया कम होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। ट्वेंटी माइक्रोवोल्ट, ट्वेंटी
20 माइक्रोवोल्ट। कैसे किया? बी इज डी फाई बाई डी टी किया। कैसे? वॉल्यूम से। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई क्या है? बी इंटू एरिया, एरिया रिंग का कंडक्टिंग बैंड का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस बी इंटू पाई इंटू टू आर इंटू डी आर बाई डी टी। रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, रेडियस कितना चेंज हो रहा है उसके लिए वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब के हिसाब से चेंज हो रहा है। इसको डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4 बाई 3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। यहाँ से डी आर 3 से 3 कैंसिल, डी आर बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बाई 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस बी इंटू पाई इंटू टू आर इंटू डी आर बाई डी टी की जगह 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी। और क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये रेट क्या होगा? नेगेटिव होगा, माइनस साइन के साथ, माइनस 100 समथिंग जो भी ऐसा है सिस्टम में। आर से एक आर कैंसिल, वैल्यूज गिवन है, आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे किया, ठीक किया, इसका आंसर 20 माइक्रोवोल्ट आएगा। क्वेश्चन है, वर्टिकल रिंग डायग्राम नहीं है इसका, वर्टिकल रिंग ऑफ रेडियस आर एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इमेजिन खुद कर रहे हैं, वर्टिकल रिंग है ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक रिंग है रेडियस आर, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इट इज इन कॉन्टैक्ट विद टू वर्टिकल रेल्स, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद टू वर्टिकल रेल्स विच आर ज्वाइंट एट द टॉप। वर्टिकल रेल्स विच आर ज्वाइंट एट द टॉप, तो डायग्राम कुछ ऐसा बन सकता है। ये रेल्स हैं, ऊपर से इन्हें ज्वाइन कर दिया, और ये क्या है? एक रिंग है, इनके कॉन्टैक्ट में एक रिंग है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर, और रेडियस कितना है? स्मॉल आर। द रेल्स आर विदाउट फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस, रेल्स में कुछ नहीं है। देर इज अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड रेल्स, रेल्स के परपेंडिकुलर है, बी मान लो बोर्ड के अंदर है, जैसे सपोज करो, ये जैसे भी आपने इमेजिन करना है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए? करंट चाहिए इंड्यूस्ड हमें। वेन स्पीड ऑफ रिंग इज वी, जब रिंग की स्पीड वी है, करंट इन द टॉप हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द रेल इज वॉट, ऊपर करंट कितना जाएगा? जब स्पीड, देखो ये नीचे गिरता जा रहा है, कभी ना कभी इसकी स्पीड कितनी है? वी है। आपको बताना है इसमें कितना करंट पास कर गया, ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस रिंग की है। बस ये नीचे गिर रहा है अरेंजमेंट, लिखा उसने वर्टिकल है, पर मेरे को लग नहीं है, मेरे को लगता है कि इसमें, हाँ देखो, नहीं ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, मैं बताता हूँ क्या चक्कर है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लूंगा तो मैं बी अपसाइड लूंगा, ऊपर लूंगा। अगर मैं इसे वर्टिकल लूंगा तो फिर मैं बी बोर्ड के अंदर लूंगा। यार मेरे को करंट जनरेट करवाना है, मैंने बोला जैसे मर्जी ले लो। जैसे अगर मैं ऐसे लूंगा तो बी अपवर्ड ले लूंगा, लेकिन अगर मैं डायग्राम ऐसा लूंगा, मान लो वर्टिकल लेता हूँ, ये लो वर्टिकल रिंग है, तो फिर बी मैं कैसे लूंगा? ऐसे लूंगा कि इसमें कम से कम करंट तो जनरेट हो,
और करंट कैसे जनरेट होगा, बी जब बोर्ड के इनसाइड होगा। वो कह रहा है इस केस में बोर्ड के पैरेलल है बी, इसमें इनसाइड है। हाँ ठीक है, चाहे डायग्राम ये ले लो चाहे वो ले लो, बस मेरे को मैग्नीट्यूड निकाल दो वैल्यू क्या होगी। तुम जैसे मर्जी ले लो भव्या, जैसे मर्जी ले लो, बस इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, भी तुम्हारी इच्छा है जैसी लेनी है, करंट तो आएगा, तो कितना करंट आएगा मतलब मैग्नीट्यूड बता दो। डायग्राम आपकी मर्जी है, वर्टिकल लो हॉरिजॉन्टल लो, भी ऐसे लेना कि करंट जनरेट कर जाए कम से कम लूप। बस नहीं, पीछे वाला ठीक होता है बी एल वी बाई आर, आगे वाला टू गलत है। नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर टू नहीं आएगा, पीछे बी एल वी बाई आर तो आएगा। वहां तक तो ठीक बोला है इसने, सेमी सर्कल सेमी सर्कल लिया, एक सेमी सर्कल इज एक्टिंग लाइक अ रॉड। याद है हमने किया था कि कोई भी अगर टेढ़ी मेढ़ी वायर हो, आप शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट लिया करो, तो हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया था कि शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट लेके डिस्टेंस 2R हो जाता है, तो B इंटू एल इंटू 2R, हम पाई आर थोड़ा लेते हैं, हम तो 2R लेते हैं। तो उसने कहा कि इसकी जो जो इसका रेडियस है वो R है, तो तुमने यही बोला बी इंटू एल इंटू वी में लेंथ की जगह 2R, पाई बोला आपने, नहीं पाई तो नहीं, फिर तो बिल्कुल फिर नहीं गलत है। पाई क्यों होगा, अगर एक सेमी सर्कल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो अपने को तो सीधा रेडियस लेने ना 2R, तो वो तो इट मेक सेंस कि बी एल वी में लेंथ की जगह 2R। ठीक है, आएगा तो 80, अब वो कैसे आया, हो गया कितना आर बाय फोर आ गया। ईएमएफ कितनी है एन टू टू, ये इसमें लॉजिक है। इसमें जो रेजिस्टेंस है दो एंड के क्रॉस, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो ये आर बाय टू आर बाय टू, जब ये पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो फिर आर बाय फोर आ जाएगा, तो बी एल वी बाय आर बाय फोर आएगा। अब लेंथ की जगह यहाँ पर क्या पुट करेंगे 2R, डन 8 आएगा। एक क्वेश्चन हमने किया था ऑब्जेक्टिव, वैसे पर किया थ्योरी में था, इसका मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना है। मेरी ऑब्जेक्टिव शीट में भी था कि सपोज आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देयर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि नीचे की तरफ मूव करेगा और बाहर आएगा मैग्नेटिक फील्ड बी में से विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, और हमने ये प्रूव किया था, ये एक बार डिस्कस किया था, ये टाइम है, ये ईएमएफ है, इसका जो ग्राफ बनता था वो ऐसा बनता था, वो करंट ईएमएफ की वैल्यू पहले ज़्यादा होगी, लू बाहर आता जाएगा, एरिया उसका कम होता जाएगा, ट्रायंगल जब बाहर आएगा एरिया कम 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 कम, तो ईएमएफ इन द एंड जीरो हो जाएगी, तो लीनियर आएगा। मैथमेटिकली प्रूव करना है, ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, सिंपल। हाँ ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ नहीं करना, कोई ग्राफ नहीं, ग्राफ तो पता है हमें, हमें ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, E की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम क्या होगी। किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट, नहीं नहीं जब बाहर निकल रहा होगा, इसकी साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बस कोई भी साइड ले लो, ए ले लो ऑफ लेंथ ए,
देख चेक करना पड़ेगा अभी तो। देखो लूप इसमें बाहर निकल रहा है बाहर की तरफ, कोई भी एक साइड है ए साइड है, अगर ए साइड है तो ये ए बाय टू है, अगर टू ए साइड है तो लेट अस सपोज ये ए है, कुछ भी डिस्टेंस है, गिवन तो है नहीं, तो कोई भी एक डिस्टेंस लेना है। और ऐसे ही लेट अस सपोज ये जो साइड है ये वाली, ये पूरी लेंथ जो है वो कोई फिक्स डिस्टेंस कितनी है, बी है, ये ए है, ये बी है, और पूरा ट्राइंगल बाहर निकल रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी। किसी भी इंस्टेंट में इसकी जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रही है बाहर निकलते हुए, तो मान लो ये लेंथ कितनी है एफ जी, और एफ जी कम होती जाएगी जैसे जैसे आप ट्राइंगल को बाहर निकालोगे। ई एम एफ की वैल्यू जो होगी बी इंटू लेंथ की जगह एफ जी इंटू कितना वी, बी एल वी। अब एफ जी निकालना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एफ जी की वैल्यू क्या होगी, सपोज करो ए बी सी, मान लो ये पॉइंट बी है, नहीं ये पॉइंट लेट अस सपोज एम है, कुछ भी ले लो ठीक। तो इस केस में ई इज इक्वल टू बी, एफ जी की जगह टू इंटू एम जी इंटू वी ठीक, और एम जी की वैल्यू अब कैसे निकलेगी, एम जी की वैल्यू के लिए टोटल बी है, टी टाइम में कितनी लेंथ बाहर आ चुकी है वी इंटू टी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई b माइनस वी इंटू टी ठीक। तो एक ट्राइंगल ये लेंगे और एक ट्राइंगल ये पूरे का पूरा लेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स, तो इसके अंदर डिस डिस्टेंस यानी कि am डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितनी है ae मस्ट बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय कितना ec, mg बाय ec। ए एम की वैल्यू क्या पुट करेंगे बी माइनस वी टी, ए ई की वैल्यू क्या पुट करेंगे बी, एम जी की वैल्यू हम निकालेंगे, ई सी की जगह क्या पुट करेंगे ए, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं ए एंड बी, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई एम जी की, ए बाई बी बी माइनस वी टी, इस एम जी को यहाँ पुट करेंगे तो ई इज इक्वल टू बी इंटू वी इंटू टू, एम जी की जगह ए बाई बी बी माइनस कितना वी टी, या फिर ई इज इक्वल टू टू बी वी ए बी बाई बी, इसको इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो टू बी इंटू वी इंटू ए बाई बी इंटू कितना वी टी, ओपन कर लेते हैं बी से बी क्या हो गया कैंसल, ये कॉन्स्टेंट आ गया और ये टाइम का फंक्शन आ गया, और ये किसकी वैल्यू होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की ठीक ठीक है। तो e एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे चेंज होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है क्लास है, ठीक एक बात और कर लेते हैं। ओके, पी क्यू इज एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये लो ये डायग्राम है, पी क्यू और इसके सामने ये कुछ अरेंजमेंट पड़ा हुआ है ऑफ रेजिस्टेंस आर, और एक रॉड है ई एफ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना वी, ये डिस्टेंस कितना है ए और ये डिस्टेंस कितना है बी, ए एंड बी तो करंट जा रहा है तो बी चेंज होगा, बी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है तो बी हर पॉइंट पर चेंज करेगी, इसके ऊपर फोर बी लगेगा, रॉड नीचे मूव कर रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डी डी ई डी करना पड़ेगा क्योंकि बी चेंज हो रहा है, तो इसमें आप इसको मूव करवा रहे हो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फोर्स नीडेड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ ई एफ इज व्हाट,
कितनी फोर्स चाहिए होगी इसको कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए? हमने क्लास में भी डिस्कस किया था पावर डिसिपेटेड वाला, आंसर लॉग में आ रहा है? फिर ठीक कर लो ट्राई। वैसे बताना जरा कैसे करोगे, पहले बी निकालोगे एक्स डिस्टेंस पे, उसके बाद बी ई इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करोगे, बी एलवी लेंथ क्या लोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ जब निकलेगा बी एलवी तो लेंथ क्या लोगे? नहीं, बी चेंज हो रहा है, बी इसमें चेंज हो रहा है ना, इनफाइनाइट वायर यहां पर बी ज्यादा लगाएगी कम 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 कम, तो आपको स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा डी एक्स इसका, तो डी एक्स पे पहले, और ये एलिमेंट कितनी दूरी पे है एक्स, तो पहले यहाँ बी निकलेगा म्यू नॉट बाय फोर पाए टू आई डिवाइडेड बाय एक्स, इंटीग्रेशन कह रहे हो लिमिट्स, हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर मतलब इसमें ऐसे कर लेना, स्मॉल इंड्यूस डी एम एफ है, इंड्यूस डी एम एफ की वैल्यू डी ई इज इक्वल टू बी एल वी, बी इंटू लेंथ इज डी एक्स इंटू वी, ठीक है ना, और b की जो वैल्यू है इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई डिवाइड बाय x इंटू डी एक्स इंटू कितना v, तो टोटल इंड्यूस डीएमएफ की जो वैल्यू निकलेगी वो लिमिट क्या लगानी पड़ेगी इसमें a से लेके b, e इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई इंटू वी 1 बाय x की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x, जो कि पुट करने के बाद क्या आएगा b बाय a, इंड्यूस डीएमएफ आ गई। इंड्यूस डीएमएफ से क्या आएगी, पावर आएगी p ई स्क्वायर बाई आर, पावर लेकिन क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्योंकि पावर डिसिपेटेड हमने क्लास में किया था, जितनी पावर चाहे आप आई स्क्वायर आर से निकाल लो या फोर्स इंटू वेलोसिटी से निकाल लो, एनर्जी लॉस नहीं है, पूरी की पूरी पावर किसमें चली जाएगी हीट थर्मल पावर में, फोर्स की वैल्यू इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू वी, तो यहां से ई की वैल्यू पुट कर देना फोर्स आ जाएगी, ठीक है यहां तक? तो कंटिन्यू रखेंगे ऐसे क्वेश्चन के साथ फिर से।